Hello boys, I am Miss Namrata, Hindi teacher of class 6A and B. Boys, आज मैं आपको हिंदी रीडर से पार्ट 7 एक्सप्लेन करूंगी. यह पार्ट हेलन केलर के बारे में है और वही इस पार्ट की लेखिका हैं. उनके बारे में यह पार्ट बताया गया है. फर्स्ट पेज में देखिए, माननशील लोगों के अनुभव कुछ अलग होते हैं, भले ही वे कितने अभाव में हों. वे अपना अलग स्थान बना ही लेते हैं. उनके कार्य सामान्य लोगों से हटकर ही होते हैं. यही कारण है कि वे जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और संसार में अपना नाम रोशन कर लेते हैं. बॉयज, मननशील का मीनिंग है विचारशील, चिंतनशील, थॉटफुल होना, या जो किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह विचार करता हो. और ऐसे लोगों के अनुभव एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होते हैं. चाहे उनके पास कितनी ही चीजों की कमी हो, वे दूसरे लोगों से हटकर अपना अलग ही स्थान बना लेते हैं. वे खुद सामान्य लोगों जैसे नहीं होते और उनके कार्य भी सामान्य लोगों से हटकर ही होते हैं. और यही कारण होता है कि वे जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और सफलता पा लेते हैं और संसार में अपना नाम रोशन कर लेते हैं. बिल्कुल ऐसी ही थी जन्म से अंधी, बहरी, गूंगी हेलन केलर. वहां हमारे लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है. उन्होंने उम्मीद, इच्छा के साथ जीते हुए जिंदा दिली का एक बेस्ट, एक उत्तम पाठ हमें पढ़ाया. उनके जीवन का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सुख का एक दरवाजा बंद होने पर तुरंत ही दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है उसे हम देख ही नहीं पाते. एक दरवाजा बंद होने पर हम भूल ही जाते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास और कई दूसरे रास्ते होते हैं, लेकिन हम उस बंद रास्ते को ही देखने में इतने डूबे हुए हैं कि दूसरा जो रास्ता हमारे लिए खोल दिया गया है वह हमें दिखाई नहीं देता. इसीलिए मैं हेलन केलर लेखिका कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती है यह जांचने के लिए कि वे क्या देखते हैं. कुछ समय पहले ही मेरी एक प्रिय मित्र, मेरी एक फेवरेट फ्रेंड जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी. तब मैंने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा. तब उनके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं देखा, कुछ भी स्पेशल नहीं देखा, सब नॉर्मल ही देखा. मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ इस जवाब को सुनकर, क्योंकि मुझे इस तरह के उत्तरों की आदत हो चुकी है. मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, वे देखकर भी नहीं देखते. लेखिका कहती है कि जिनके पास आंखें होती हैं वे बड़े सुन्न होते हैं, बड़े संवेदनहीन होते हैं, बड़े इनसेंसिटिव होते हैं. उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती. ईश्वर ने हमें प्रकृति दी है, वे प्रकृति के इन नजारों का आनंद नहीं ले सकते. वे इन सब के प्रति बड़े लापरवाह हैं, उन्हें इनके होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती वे बड़े सेंसिटिव, बड़े संवेदनशील होते हैं. वे अपने सेंसेस की मदद से अपनी कमियों को दूर करते हैं. हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ एंड त्वचा. ये 5 सेंसेस होते हैं. इनकी मदद से ही वे अपनी कमियों को दूर करते हैं. चीजों को छूकर एहसास करके वे उनके बारे में बताते हैं. ऐसा करके उन्हें बहुत सुख मिलता है. लेखिका ने अपने मित्र का उदाहरण देकर बताया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जंगल में कई घंटे समय बिताए लेकिन उसे वहां कुछ भी खास दिखाई ना दे. मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी 100 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ. भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुदरी छाल, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, झरने के बहते पानी का एहसास वे छूकर ही कर लेती हैं. बसंत ऋतु के दौरान टहनियों में नई कलियों के आने का एहसास मैं छूकर ही करती हूँ. इस दौरान प्रकृति के जादू का अनुभव भी होता है. कभी जब मैं बहुत खुशकिस्मत होती हूँ, बड़ी लकी होती हूँ, तो किसी टहनी पर हाथ रखते ही चिड़िया के मधुर स्वर
चिड़िया के मीठे स्वर कानों में गूंजते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए गाइस। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां तथा घास का मैदान किसी भी महंगे कारपेट से, महंगे कालीन से भी ज्यादा पसंद है। बदलते हुए मौसम की बहार मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देती है। कभी कभी मेरा मन इन सब चीजों को देखने के लिए बेचैन हो उठता है। तब मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती है, तो अगर मैं इनकी सुंदरता को, उनकी ब्यूटी को अपनी आंखों से देखूं, तो मेरा मन तो इन पर पूरी तरह ही मोहित हो जाएगा। प्रकृति के नजारे इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें कितना भी देख लो मन ही नहीं भरता, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सच में ही बहुत कम देखते हैं। उन्हें प्रकृति की सुंदरता का एहसास ही नहीं है। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के अलग अलग सुंदर रंग उनके एहसास को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की उम्मीद लगाए रहता है जो उसके पास है ही नहीं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो चीज उसके पास नहीं होती वह उसे पाने के लिए आशा उम्मीद लगाए रहता है और अपनी पूरी शक्ति और समय उस वस्तु को पाने के लिए लगा देता है। जो वस्तु उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता। कितने दुख की बात है कि दृष्टि की, आंखों के आशीर्वाद को हम साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जिनके पास आंखें हैं उनके लिए यह ईश्वर की अमूल्य देन है, ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। इसी अमूल्य देन से हम अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। हेलन केलर इस पाठ की लेखिका का जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा में हुआ था। बचपन में बहुत तेज बुखार के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। तब वे अपनी सूंघने और छूने की शक्ति का प्रयोग करने लगी। कुछ बड़ी होने पर उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी। इन्होंने एक पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ भी लिखी। इन्होंने लोगों को दुखों से लड़ने की अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। आज भी कई लोग उनसे प्रेरित हुए हैं। उनकी मृत्यु 1 जून 1968 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन पर कई नाटक तथा फिल्में बनाई गई। इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए किस प्रकार इनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने जीवन में सफलता पाई। अपनी हिम्मत के बल पर, अपना हिम्मत साहस नहीं खोया और जीवन में ये सफल हुई। बॉयज, इस लेसन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके वो आप जूम क्लास में, जूम मीटिंग में आप क्लियर कर सकते हैं और जस्ट नोट डाउन करके रखिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजी होगा आपके लिए पूछना। थैंक यू बॉयज।